देखिए फ्रेंड्स, कितने जबरदस्त से हमारे साबूदाना पनीर ये वड़ा तैयार हो गया है फ्रेंड। बहुत टेस्टी होता है। एक हम तोड़ लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त, बहुत टेस्टी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटपुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है, हम आज व्रत स्पेशल बना रहे हैं। तो व्रत स्पेशल में हम बना रहे हैं स्टफ पनीर साबूदाना वड़ा। तो हम आज जो साबुदाना वड़ा बनाएंगे उसको पनीर में, यानी पनीर स्टफ करके उसके अंदर में उसका वड़ा बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो ये है हमारा साबुदाना। तो ये हमारा सोक किया हुआ साबुदाना है, जिसको हमने पानी में भिगो के उसे सोक करके रख दिया था। तो ये भिगोया हुआ हमारा साबुदाना है, मीन्स सैको। उसके बाद में हमें पनीर लगने वाला है, उसके बाद में हमें पटेटो यानी कि आलू लगेगा। तो हमने 3 आलू लिए हैं और ये आवश्यकता के अनुसार हमें जितना लगेगा उतना ही हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद में हमें ग्रीन चिलीज और ये है हमारी हरी मिर्च, जो हमने उसको थोड़ा सा यानी बारीक बारीक क्रश करके रखा हुआ है। उसके बाद में हमें लगेगा ब्लैक पेपर पाउडर, मीन्स काली मिर्च का पाउडर। ये है क्यूमिन सीड, मीन्स जीरा। और ये है सॉल्ट यानी कि नमक। रोस्टेड पीनट क्रश, मीन भुने हुई मूंगफली का क्रश लगने वाला है। ये है हमारी ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया। और इसे बनाना बहुत आसान है। सो फ्रेंड, इसे बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ये जो पनीर है फ्रेंड, इसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, इसको हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है पनीर को। तो पहले हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल गरम करने को रख दिया है गैस पे। अब हम हमारे वड़े बनाने के लिए तैयारी करते हैं। गैस पे हमने ऑयल गरम करने को रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये पनीर लेते हैं और ये हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, हमारा कद्दूकस किया हुआ पनीर है। उसमें हम थोड़ी सी पीनट ऐड कर देंगे, यानी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पीनट ऐड कर दिया। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सॉल्ट, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमारे वड़े में भी नमक रहेगा। उसके बाद में हमें इसमें डाल देना है काली मिर्च का पाउडर, मीन्स ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये हम 1/2 टीस्पून से भी कम, यानी 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड करेंगे, मीन्स ग्रीन चिलीज। 1 टीस्पून के करीब हमने हरी मिर्च ऐड कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया। और इसे हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये लिए हमारे स्टफिंग तैयार हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, हमने साबुदाना लिया, तो हमने ये साबुदाना लिया है 1 कप के करीब। आप इसमें कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ये पीनट। तो हम इसमें 1/2 कप के करीब हमारी मूंगफली का क्रश ऐड कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, मीन्स क्यूमिन सीड। ये 1/2 टीस्पून है, ये डाल देंगे। उसके बाद में इसमें चले जाएंगी हरी मिर्च। तो ये 5-6 हरी मिर्च ली थी मैंने। आप जैसा तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप हरी मिर्च लेना। तो ये तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। ये क्रश बना के रखा था, गुड़ ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, मीन्स सॉल्ट। और उसमें अब इसके हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब इसमें चले जाएगा हमारा हरा धनिया। अब इसमें हमें आलू को हमें हाथों से ही ऐसे फोड़ के डालना है। हमने 3 आलू लिए हैं और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, हमने आलू को भी इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। चलिए, अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने बड़ा बाउल लिया क्योंकि वो बाउल बहुत छोटा हो रहा था फ्रेंड, तो मैंने बड़ा सा बाउल लिया है। अब इसमें हमें इसे अच्छे से मैश करना है। हमारा साबुदाना और ये आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक, ये सब अच्छे से एक में एक मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और इसमें आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च का क्रश है, पीनट क्रश है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि वो बाउल काफी छोटा हो रहा था, तो मैंने
थोड़ा सा इसको बड़े बाउल में लिया है और इसे हमें एक में एक अच्छे से पहले मिक्सअप कर लेना है। अब हम वड़े बनाते हैं तो हमारा ये पूरी तरह से अच्छे से मिक्स होगा। देखो ये ना काफी टाइट रहना चाहिए, इससे हमारे वड़े जो है अच्छे फूल के भी निकलेंगे। हाथों में थोड़ा सा हमने पानी लगा लिया है और हमें इसमें से आपको जितने बड़े बड़े बनाना है उसके हिसाब से आप लीजिए। देखिए हमें इस टाइप से लेना है, इसे हमें पहले अच्छे से राउंड राउंड करना है और अब इसे हमें अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरह से। इसमें हमें ऐसे ऐसा होल टाइप बनाना है, गड्ढा टाइप, कटोरी टाइप बना लेंगे पहले हम, ये देखिए इस टाइप। और अब इसमें हमें पनीर मिलाना है। हमने इसमें 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून भर के पनीर ऐड कर दिया है। अब इसे हमें पूरी तरह से पैक कर देना है, इसे अंदर दबाते हुए हमें इसे पैक करना है। अब ये हो गया पैक, अब इसे हम राउंड कर लेंगे अच्छे से, हल्का सा हमारा हाथ को गीला कर लेते ताकि ये ना हो, और इसे हमें पैक कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमें वड़े बना बना के पहले तैयार करेंगे और फिर हमें इसे तलना है। एक और बता देती हूँ मैं, बड़े आपको जैसे बनाना है, बड़ा हो छोटा जैसा बनाना हो उसके हिसाब से आप ले लीजिए। और बस इसे हमें खोल लेना है और इसके इस तरह से प्रेस करेंगे, इसको हम साइड से पूरा एक समान कर दोगे तो आपको बनाने में आसानी जाएंगी। फिर इसके हम ऐसी कटोरी टाइप बना लेंगे और उसमें हमें पनीर स्टफ करना है। कम ज्यादा आपको जैसा भी पनीर स्टफ करना है उसके अंदर स्टफ कर लीजिए। ये स्टफ हो चुका है, अब इसे हमें पैक करना है। इसके मुंह को अच्छी तरह से हमें बंद करना है पहले और फिर हाथों से दबा के इसे वड़े की शेप देना है। चलिए हम ऐसे तैयार कर लेते हैं पहले। ये देखिए हमने वड़े 4 बड़े बना के रख लिए हैं, अब इसे हमें तलना है। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल गर्म है या नहीं बराबर। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हमारे वड़े डालेंगे। और इसे हम होने देते हैं धीरे धीरे, इसे हमें हल्का हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। दोनों साइड से हमें इसे पलटा पलटा के फ्राई करेंगे। चलिए इसे हम पलटा के देख लेते हैं एक बार। अब इसे हम पलटा लेंगे, इस तरह से पलटाना है, थोड़ा सा उसे होने देना 5 मिनट के करीब, और उसके बाद में हमें इसे पलटा लेना है। अब इसे हमें गोल्डन होते तक फ्राई करेंगे, जब तक हम बाकी के वड़े तैयार करते हैं। हमारे जो वड़े हैं फ्रेंड्स, इसे हमें गोल्डन यानी एकदम डार्क नहीं करना है, इसे हल्का हल्का ही फ्राई करना। देखिए इसका कलर एकदम परफेक्ट आ चुका है, तो अभी इसका हम सिर्फ 1 से 2 सेकंड और फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम साइड में और डालते जाएंगे ताकि वो भी फ्राई होते रहे। ये देखिए कितने बढ़िया जबरदस्त से फूले फूले हमारे साबूदाना के वड़े तैयार हुए हैं। इसे हम पेपर टाल पे निकालते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सेकंड बैच के भी हमारे वड़े कितने जबरदस्त तैयार हुए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनते हैं और इसे आप जरूर ट्राई करके देखिए। इसे आप दही के साथ में भी आप खा सकते हो।
ये देखिए कितने बॉम, इसको हम साबूदाना पनीर बॉम भी कहा जा सकता है इसे, ये बॉम के समान फूल गया एकदम। देखिए कितने जबरदस्त, और ये बड़े बेहद स्वादिष्ट होते। देखिए कितने फूले फूले हमारे साबूदाना बड़े तैयार हुए। बस इसे आप फुल पावर पे ना बनाए, धीरे धीरे इसे मीडियम आंच पे ही होने देना है। एकदम बॉम के समान फूले हुए है, साबूदाना पनीर बॉम कहा जा सकता है इसे। इसी तरह से हमें धीरे धीरे तल तल के इसे तैयार करते रहना है। डालने के बाद में कम से कम दो दो मिनट के करीब वहीं पे रहने देना है उसे। उसके बाद में ही हमें इसमें चम्मच चलाना है। इसे आप हम दही के साथ सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने जबरदस्त से हमारे साबूदाना पनीर ये वड़ा तैयार हो गया है फ्रेंड। बहुत टेस्टी होता है। एक हम तोड़ लेते हैं और ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स कितना जबरदस्त, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।